नमस्ते, वेलकम बैक ऑन माय चैनल जीएम सर आरपीएस। आज अपन वर्ग या वर्ग मूल से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका, यदि अंडरूट एक प्लस 25 बटा 144 बराबर हो एक प्लस एक्स बटा 12, तो एक्स का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अपन जो ये रूट के अंदर एक प्लस 25 बटा 144 दिख रहा है, इसकी अपन सबसे पहले हल या जोड़ करेंगे। तो देखो ये एक अकेला है तो इसके नीचे एक लिख देंगे, यानी कि हर के रूप में एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब देखो क्या करेंगे, अब अपन इस रूट के तो रूट रहने दो एक बार, अब इसके कर देंगे जोड़। तो ये बेन की जोड़ है तो क्या करेंगे, क्रॉस या तिरछा गुणा की सहायता से करेंगे। तो सबसे पहले इस क्रॉस गुणा हो जाएगा 144 और 1 का गुणा, 144 और 1 का गुणा 144, बीच में साइन प्लस का तो प्लस का, फिर हो जाएगा इसका क्रॉस गुणा, यानी कि 1 और 25 का गुणा, 1 और 25 का गुणा हो जाएगा 25, बट्टा हरों का गुणा, यहाँ हर है 1 और यहाँ है 144, तो 1 और 144 का गुणा हो जाएगा 144, और बराबर 1 प्लस एक्स बटा 12। ठीक है, अब क्या करते हैं, रूट का तो रूट वापस रहने दो, 144 और 25 को जोड़ दो, 144 और 25 जोड़ के हो जाएगी 169, और नीचे 144 है तो 144 रहने दो, बराबर का बराबर। आगे क्या आएगा, 1 प्लस एक्स बटा 12। अब देखो यहाँ अंडररूट के अनुसार अंदर 169 बटा 144, तो इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। 169 का वर्गमूल आपको पता होता है 13 और 144 का होता है 12, 169 का वर्गमूल 13, 144 का 12, बराबर 1 प्लस एक्स बटा 12। अब क्या करेंगे, देखो 1 की इधर क्या हो रही है, राइट हैंड साइड में जोड़ हो रही है, तो ये 1 इस साइड में आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 की हो जाएगी माइनस। तो देखो क्या करते हैं, आगे 13 बटा 12 का 13 बटा 12 और 1 जो कि राइट हैंड साइड था अब लेफ्ट आके हो जाएगा माइनस, बराबर का बराबर, और पीछे बच गया एक्स बटा 12, एक्स बटा 12। अब यहां भी देखो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि भिन्न की हो जाएगी बाकी। अब वही बात इसे भी क्रॉस करके करेंगे, 13 और 1 का गुणा, 13 और 1 का गुणा हो जाएगा 13, बीच में साइन माइनस तो माइनस, फिर ये हो जाएगा 12 और 1 का गुणा, 12 और 1 का गुणा होता है 12, और नीचे हो जाएगा हरों का गुणा, हर है 12 और 1, 12 और 1 का गुणा होता है 12, बराबर x बटा 12, ऊपर 13 में से 12 गया 1 बटा 12, 1 बटा 12 बराबर होता है x बटा 12, यहां भी हर 12 और यहां भी 12, तो 12 से 12 कट गया, 1 बराबर x, यानी कि x का मान आपका हो गया 1। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।